हम आगे बढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का घोषणा पत्र जारी हुआ है। आपको बता दें कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, दूध समेत सभी फसलों की एमएसपी देंगे। बड़ी खबर, किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। भूमिहीन किसानों को 5,000 पर माह पेंशन दी जाएगी। तो फिलहाल घोषणा पत्र जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है आपको बता दें, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का घोषणा पत्र जो है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, ये जानकारी जो है फिलहाल सामने आ रही है। दूध समेत सभी फसलों की एमएसपी भी देंगे, ये बड़ी खबर है। किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था मुफ्त जो है वो यहाँ पर की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का घोषणा पत्र जो है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है, ये बड़ा अपडेट है। 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से सपा ने घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है, क्या अपडेट मिल पा रही है अभी? ये घोषणा पत्र मेरे हाथों में है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका नाम जनता की मांग पत्र रखा है और उनका कहना है कि जनता की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं वो इस घोषणा पत्र में रखा है। समाजवादी पार्टी ने कई सारी बातें पूर्ववत जो अपने घोषणा पत्र में रखी हैं वो सारी इसमें भी रखी गई हैं। उनकी तरफ से उनकी सरकार के दौरान एक हॉट मील योजना शुरू की गई थी जिसमें छोटे बच्चों को, प्राइमरी और माध्यमिक में पढ़ने वाले बच्चों को खाना दिया जाता था, ताज़ा बना हुआ खाना। वैसे ही कोई योजना शुरू करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि सरकार अगर बनती है हमारी तो हम ना सिर्फ लोगों को अनाज जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही, उसकी जगह हम लोगों को खाना उपलब्ध कराएंगे, वो भी मुफ्त में। साथ ही उन्होंने कहा है कि और कई सारी बातें हैं, संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आज़ादी का अधिकार, यानी मीडिया पर भी उन्होंने लिखा है अपने इस घोषणा पत्र में कि मीडिया की आज़ादी का अधिकार, लोकतंत्र संस्थानों को स्वतंत्र व स्वावलंबी अधिकार बनाने के लिए, और साथ ही साथ न्याय का, सामान्यता का अधिकार देने के लिए। साथ ही साथ इसी तरह की बहुत सारी बातें सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई, यानी 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, ये उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। यानी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वादा किया है लोगों से, तो 2025 तक जाति आधारित जनगणना, 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे। ये भी लिखा है कि जो कोटा वाइज पोस्ट होती, जी पोस्ट होती, जी जी, उनको भरा जाएगा। जी अभिषेक बोलिए। निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। 2029 तक भूख से मुक्त, यानी जो बात मैं कह रहा था कि जो अनाज या बाकी अन्न प्राशन की योजनाएं चल रही हैं उसके ठीक उल्टा उनका कहना है कि 2019 तक भूख मुक्त, यानी पूर्ण अनुमूलन की बात उन्होंने कही है इस मैनिफेस्टो में। आगे और बताना चाहूंगा कि इसी मैनिफेस्टो में युवाओं के रोजगार की बात कही गई है, मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी, यानी एक दिन में जो मैन पावर जो कहा जाए, एक दिन में एक मैन डेज 150 तक किए जाएंगे, यानी मानदेय जो कहा जाए कि उसे 150 तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 450 रुपए जो मजदूरी है वो बढ़ा दी जाएगी। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 से पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।